हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की इस आर्ट को किस तरह से मास्टर करना जो आपको आपके बिजनेस से फ्री होने में हेल्प करेगा, बिजनेस को ऑटोमेशन में लाने के लिए हेल्प करेगा, डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प करेगा, बहुत सारे फायदे हैं। तो उसमें ना जाते हुए लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो ये डेलीगेशन होता क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। सिंपल शब्दों में अगर इसको बोले तो डेलीगेशन यानी सौंपना। अभी सौंपना यानी क्या सौंपना, तो मैं जो काम करता हूँ वो सौंपना, काम सौंपना, क्या सौंपना। बहुत लोग है ना कंफ्यूज रहते हैं कि डेलीगेशन यानी मुझे क्या सौंपना है। सो डेलीगेशन का मतलब होता है आप जो काम कर रहे हो वो किसी और को सौंपना। काम सौंपना वो अलग, दूसरे जो आप काम सौंपते हो वो अलग, जो उसका काम है वो उसको बोलते हो करने वो अलग। डेलीगेशन यानी मेरा जो काम है वो मैं किसी और को सौंप रही हूँ, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। उसका मतलब होता है डेलीगेशन। अगर आपने बिजनेस ऑटोमेशन वाला वीडियो मिस किया है तो प्लीज वो जाके देखेगा, क्योंकि उसी की कंटिन्यूएशन मैं ये दे रही हूँ। उसमें सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको डेलीगेट करना है, राइट। सो ये डेलीगेशन के आर्ट को किस तरह से आप मास्टर कर सकते हो उस पर ये पूरा वीडियो होने वाला है। सो नाउ, सबसे पहले तो डेलीगेशन हम क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे दो रीजन है, ओके। एक है हमारा माइंडसेट और एक है एक्शन। माइंडसेट में क्या है कि भाई किसी और को दू, उससे अच्छा तो मैं ही कर लेता हूं, है ना, वो नहीं कर पाएगा, उससे नहीं होगा। तो वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, ऑटोमेशन वाले वीडियो में भी, कि जब तक आप खुद नहीं मानोगे कि आप ये कर सकते हो, इसमें से आप फ्री हो सकते हो, कोई और है जो आपके टास्क कर सकता है, तब तक आप डेलीगेशन नहीं कर सकते, उसके मास्टर भी नहीं बन सकते, ओके। सेकंड इज, पहले तो कि मुझे खुद को ही करना है, ये आपके माइंडसेट में है, इसकी वजह से आप डेलीगेट नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज है कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास कि भाई मैं उसको बताऊं, समझाऊं, कराऊं, उतने में तो मैं ही खुद कर लूं वो टास्क। तो ये जो टाइम नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास है ना बहुत टाइम है। अगर कोई गलती होती है हमसे या कोई मिस्टेक होती है या कोई ऑर्डर डिस्पैच इधर उधर कहीं पे भी कोई भी गलती हो जाती है तो वो सुधारने के लिए हम देते हैं ना टाइम पूरा। आप अगर अपने बिजनेस को एनालाइज करोगे तो आपका बहुत टाइम गलतियां सुधारने में, उसको रीडू करने में, जीरो से वापस शुरू करने में जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये कैसे हो रहा है। तो वो जो टाइम आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो उससे अच्छा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये जब आप डेलीगेशन सीखोगे, सोचो आप कितना फ्री हो जाओगे। आप अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम, अपने रोल जब आप किसी और को सौंपते हो, आप खुद बहुत फ्री हो जाते हो, जिससे आप आगे की सोच सको, जिससे आप और क्या करना है उसकी सोच सको, आपको जो काम में मास्टरी लानी है उसके बारे में सोच सको। कितनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो जो नहीं करते, क्योंकि इतने सारे काम आपके प्लेट में, राइट। सो ये जो है ना, ये बहाना है हमारे माइंडसेट का, बहाना है कि भाई मैं, मेरे पास टाइम नहीं किसी को डेलीगेट करने के लिए, सिखाने के लिए, मैं खुद ही उतने में कर लेता हूँ, ओके। देन एक और कारण आ सकता है हम डेलीगेट इसके लिए नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमारी टीम को ही ट्रस्ट नहीं करते। हमने कभी उनको दिया नहीं है तो हमको भरोसा नहीं बैठता कि ये लायक है क्या, ये करेगा क्या, इससे होगा क्या, इससे ये कर पाएगा क्या। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण हम हमारे माइंडसेट से अटकते हैं कि हम डेलीगेट नहीं कर पाते, ओके। इसी के सामने ये समझना बहुत जरूरी है कि डेलीगेशन यानी मेरा काम सौंपना, किसी और से करवाना, जिससे मैं और फ्री हो सकूं, बिजनेस आपका ऑटोमेशन पे जा सके, ओके। सो ये आपको करना है। अभी ये बैकग्राउंड हमको मिल गया, हमको ये इसमें से निकलना है, हमको फुल पावर डेलीगेशन करना है, एकदम मस्त से सीखना है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है उस पर हम जाते हैं कि एक्शन स्टेप्स क्या होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। इसको इरेज कर देते हैं, ओके। तो डेलीगेशन का प्रोसेस होता क्या है। सो सबसे पहली बात आती है कि आपको क्या डेलीगेट करना है। क्या आप डेलीगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका सेल्स मैनेजर है,
फिर भी आपकी सेल्स टीम का सारा रिपोर्टिंग आप खुद ले रहे हो। अभी आपको क्या करना है, वो जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस है, एनालिसिस का प्रोसेस है, डेटा देखना है किसने क्या किया कितना किया, वो आपको अपने मैनेजर को डेलीगेट करना है। तो पहले वो क्लैरिटी कि आपको क्या डेलीगेट करना है फर्स्ट। सेकेंड, जो आपको डेलीगेट करना है वो टास्क का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। आई होप यही स्पेलिंग होता है। सो क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है वो टास्क का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने मैनेजर को ये टास्क दे रहे हो कि आपको पूरा जो इनका सेल्स टीम है, उन्होंने कितने कॉल्स की, कितनी मीटिंग्स की, वो डेटा वो लोग डालते हैं, वो पूरा डेटा एक्सेल में डालना है, ये करना है, वो करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप प्रोसेस करवा रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो आपको उनको बताना है। तो पहले आपको क्या डेलीगेट करना है, दूसरा कि भाई ये जो हम रिपोर्टिंग निकाल रहे हैं इससे हमको पता चलेगा कि अपनी सेल्स टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी ट्रेनिंग, कौन सा मोटिवेशन उनको चाहिए वो और बेटर परफॉर्म कर सके, कोई ऐसे पॉइंट्स तो मिस नहीं हो रहे जिससे हम जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको मिस आउट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर रिवॉर्ड्स नहीं दे पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हमको पता करनी है, इसके लिए हम ये पूरा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बिठाया है। ओके, ये पर्पज़ हो गया कि क्यों हम ये टास्क करते हैं। ओके, थर्ड हो गया कि ये जो टास्क है वो किस तरह से करना है, कैसे करना है। तो कैसे करना है, मैं आपको पूरा लिस्ट बनाना है। पता है आप कहीं पे अगर ये डालते हो कि मेरे को ये जॉब के लिए बंदा चाहिए, तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हो, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया डालते हो, फिर आप डालते हो कि उसके क्या क्या काम होंगे, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते हो। बस उतने ही डिटेल में आपको ये डालना है कि ये जो उसको टास्क करना है वो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसको सबसे पहले तो जो भी डेटा है जो ऑनलाइन ऑलरेडी है आपके पास, गूगल शीट पे है या आपके CRM सिस्टम में है, वो डेटा उसको डाउनलोड करना है। फर्स्ट स्टेप, डाउनलोड करने के बाद उसको ये फिल्टर्स डालने हैं जिससे उसको पता चले कि ये इंसान ने इतना कॉल किया है, इतना मीटिंग्स किया है। उसके बाद उस एनालिसिस के बेसिस पे उसको एक और एक्सेल शीट बनानी है जिसमें उसको टॉप रैंकिंग देनी है 1, 2, 3। उसके बाद उसको माइनस पॉइंट्स लिखने के, इसने इतने ही कॉल किए, उसका इतना ही कन्वर्जन हुआ, तो ये क्यों हुआ। फिर उसको ये भी लिखना है कि भाई ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे बाकी सबको क्या सीखना चाहिए। ये जो भी आपकी डिटेल्स है ना, जो आप करते हो जिसमें आपका टाइम जाता है, वो आपको लिस्ट में लिखना है कि कैसे करना है ये पूरा टास्क। ओके, देन अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है, प्लीज पीछे जाइए, वापस देखिए, एक भी पॉइंट मिस ना करना, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। फर्स्ट क्या करना है, सेकेंड पर्पस क्या है वो टास्क करने का, थर्ड किस तरह से करना है। जैसे उसको किस तरह से करना है वो पता चल गया, उसके बाद आपने क्या किया, एक टाइम फ्रेम डिसाइड की कि कब तक आपको ये रिपोर्ट चाहिए या कब तक ये टास्क होना चाहिए। कभी तक उसको ये पूरा जो टास्क है वो कंप्लीट करना है। ओके, तो आप उनको बोल सकते हो कि ये मुझे 10 दिन में चाहिए, 10 दिन में हो जाएगा। ये पूछोगे तो उसको और अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे पूछा कि हाँ मेरा डिसीजन क्या है। तो जो जिसको भी आप सौंप रहे हो ना, उसको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कमिट किया कि 10 दिन में मुझे देना है। तो सवाल पूछ के करना है, ऐसा नहीं कि मेरे को 10 दिन में चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, ऐसे नहीं। 10 दिन में मुझे ये चाहिए, क्या ये हो सकता है, कैन यू डू इट इन 10 डेज, ये आपको उनको पूछना है। ओके, सो टाइम फ्रेम आपने दे दिया। पांचवी चीज है, आपको उनको पूछना है कि इस सब में तुझे कोई ट्रेनिंग चाहिए। सबसे पहले तो आपने उसको डेलीगेट किया है ना, तो आपको पता ही होगा कि उसके स्ट्रेंथ्स वीकनेस क्या है। फिर भी आप उनको पूछो कि तुझे कुछ इसमें नहीं आता है तो तू मुझे पूछ, तुझे इसमें कोई ट्रेनिंग चाहिए तो तू मुझे पूछ, कुछ समझ में ना आया है तो पूछ, जो भी है आप उनको पूछो जिससे वो और इन्वॉल्व हो, उनके उनको खुद को जिम्मेदार फील हो, उनको लगे कि हाँ मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो बॉस जो है वो प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ऐसा नहीं कि बस दे दिया और छोड़ दिया, राइट।
सो यू आस्क कि क्या ट्रेनिंग चाहिए आपको या कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे पूछ. ओके, ये हो गया पांचवा स्टेप. इसके बाद ये आपने उसको दे दिया, बोल दिया, फिर वो गया. वो आपने उसको बोला था 10 दिन में चाहिए, तो वो 10 दिन में आपके पास रिपोर्ट करने आया. उसको पहले ही बोल देना आपको कि 10 दिन में तू मुझे रिपोर्ट करना, तू मेरे पास आना. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड आस्क यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मैं बार बार तेरे सर के ऊपर ऐसा खड़े रह के कि तूने किया कि नहीं, अरे ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं, ये नहीं करना है. और आपको उसको बोलना है कि मैं तेरे सर पे नहीं खड़ा रहूंगा, माइक्रो मैनेज नहीं करूंगा, उसकी हर एक हरकत पे ध्यान नहीं देना. बस उस पे भरोसा रखो कि वो हो जाएगा, ट्रस्ट जो हमने पहले बात की थी. ओके, तो भरोसा रखना है कि हो जाएगा. देन वो जब 10 दिन बाद वो आया आपके पास रिपोर्ट लेके, तो आपको वो रिपोर्टिंग लेना है. उसके बाद आपको वो रिपोर्ट को रिव्यू करना है, उसको फीडबैक देना है, रिव्यू करना है उसके काम को, उसको फीडबैक देना है, प्लस माइनस, तूने बराबर से किया है कि नहीं किया, ये तू और बेटर कर सकता था, ये तूने बहुत अच्छा किया है, ये तो मैं भी नहीं कर पाया था. जो भी आपको प्लस माइनस देना है, जो भी रिव्यू देना है पूरे टास्क के रिलेटेड, आप वो पूरा रिव्यू उसको दे सकते हो. इसमें से आपने एक भी स्टेप मिस किया ना, तो आपका डेलीगेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. ओके, अभी इसमें है ना बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि भाई हमने तो डेलीगेट कर दिया, पर मेरे को ही उसको पूछना पड़ता है 10 दिन बाद भी कि इसका क्या हुआ, तो मैं इसके लिए क्या करूं. सी सिंपल है, जब आप डेलीगेशन कर रहे हो ना, तब आप ही को उनको बोलना है कि 10 दिन बाद तू मेरे पास आएगा. फर्स्ट, अगर आपको पता है कि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मैंने उसको बोला है 10 दिन बाद तुझे मुझे आके बोलना है, वो नहीं करता, तो उसको बोलो कि तू तेरी डायरी में 10 दिन बाद लिख कि ये मुझे सर के पास जाना है, या 9 दिन बाद लिख कि रिमाइंडर कि मेरे को कल सर के पास जाना है. अगर वो डायरी यूज नहीं करता, डायरी देखता नहीं है, या आपके जो भी कल्चर में है, फोन तो है ना सबके पास, फोन है, रिमाइंडर डलवाओ, अलार्म लगवाओ. उधर आपके साथ जब आप डेलीगेशन करो तभी बैठ के कराओ. इतना सिंपल है. एक अलार्म लगा दिया कि मेरे को भाई 9वें दिन पे अलार्म बजेगा कि कल सर के पास जाना है, 10वें दिन पे वो सर के पास जाएगा. सिंपल. ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन करना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना. अच्छा, इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, आप क्या प्रोसेस चालू करने वाले हो, कहाँ से शुरू करने वाले हो, क्या आपको इनसाइट्स मिली है, क्या आपको समझ में आया है, प्लीज नीचे कमेंट में लिखिएगा. मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, तो आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना अच्छे से मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी और अच्छे वीडियोस बना पाऊंगी. #HeyDee यूज करके आप अपनी भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो. आपकी कोई बिजनेस चैलेंजेस है जो आप फेस करते हो, जिसके ऊपर आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. अगर मैं बना पाई तो मैं डेफिनेटली उस पर बनाऊंगी, मेरे स्कोप में होगा तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी. राइट, एवरी सैटरडेज चैनल पे सेल्स ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ एंड सेल्फ ग्रोथ को लेके एक वीडियो आता है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो. बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. ये पूरी चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है, और आप इम्प्लीमेंट करो उसके बाद मुझे बताना कि कैसा रहा. राइट, प्लीज डू शेयर इन द कमेंट कि हाउ वाज इट, व्हाट डिड यू लाइक. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर बिजनेस ऑटोमेशन वाला वीडियो आपने मिस किया है तो यहाँ पे उसकी लिंक है, प्लीज लिंक पे जाइए, वो पूरा वीडियो देखिए, इट्स एन अमेजिंग वीडियो, आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. एंड बिजनेस ऑटोमेशन का ही ये एक पार्ट है, आर्ट ऑफ डेलीगेशन. राइट, सो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया है. लाइक करना मत भूलना, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. आपके बिजनेस के फ्रेंड्स को, आपके पार्टनर्स को, फैमिली में कोई बिजनेस में है उनको शेयर कीजिए. ये सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है, अगर आपके अंडर मैनेजर्स है जो डेलीगेट नहीं कर पा रहे उनको भी आप ये वीडियो बोल सकते हो कि भाई ये वीडियो तू देख, इससे तुझे पता चलेगा कि क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं. ओके, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय.